नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारी आपके साथ बात होने वाली है, ये मंगल ग्रह को लेकर के बात होने वाली है, क्योंकि मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये जो इनका राशि परिवर्तन है, कौन सी राशि से इन्होंने निकलना है, किस राशि में इनका प्रवेश होगा, कब होगा, कब तक ये यहाँ रहेंगे, और इस राशि में किस किस ग्रहों के साथ इनकी युति बनेगी, किस किस ग्रहों के साथ ये बैठेंगे वहाँ, और किस प्रकार के परिणाम इस अवधि में जब तक ये यहाँ रहेंगे, आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनको ये देने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों के, वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह का एक बहुत अहम स्थान है। मंगल ग्रह अपने आप में एक बहुत ही उनका बहुत महत्व है, और वो इसलिए है कि ये जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसके कारक हैं मंगल, उसको देने वाले मंगल हैं। मंगल भूमि पुत्र हैं, धरती के पुत्र हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर अधिक साहस होगा, शक्ति होगी, हिम्मत होगी, पराक्रम करने वाला व्यक्ति होगा, ऊर्जावान होगा और उसके अंदर साहस से भरपूर होगा, समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का मंगल उसके कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है। जब मंगल किसी व्यक्ति के कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं तो ये इस प्रकार की चीज़ें देते हैं। और क्योंकि मैंने कहा कि भूमि पुत्र भी हैं ये, तो जब ये अच्छी पोजीशन में होते हैं तो ये अच्छी बड़ी भूमि का स्वामी भी व्यक्ति को बना देते हैं, प्रॉपर्टी का। तो ये जो मंगल हैं ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं ज्योतिष में, और मकर राशि में ये उच्च के माने जाते हैं, इनकी स्थिति बहुत बढ़िया मानी जाती है, जबकि कर्क राशि में ये नीच के हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नक्षत्रों में ये मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति, जैसा मैंने कहा, अच्छी है या मजबूत है, बहुत अच्छी है, तो वह व्यक्ति स्वभाव से निडर होगा, साहसी होगा। और यदि जातक की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो जातक को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना अपने जीवन में करना पड़ जाता है। मंगल ग्रह लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाल रंग। जैसा मैंने कहा, इनको भूमि पुत्र भी कहा जाता है। इस मंगल ग्रह के कारण ही कुंडली में मांगलिक दोष का भी निर्माण होता है। तो साथियों, मंगल ग्रह के विषय में ही बात हो रही है, उनके राशि परिवर्तन को लेकर के बात चल रही है। और मैं यहां आपको एक बात और बता दूं कि जो जातक आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, या किसी भी और सुरक्षा बल में है, सैन्य बल में है, पुलिस आदि में है, जो भी इस तरीके BSF में है, तो जो भी इस तरीके के जो हमारे हिंदुस्तान के ऐसे, इंडिया के जो ऐसे क्षेत्र हैं, और उनमें जो लोग कार्यरत हैं, वे वही लोग कार्यरत हैं जिनका मंगल मजबूत है। जब मंगल की ऐसी मजबूत स्थिति होती है तो व्यक्ति ऐसे साहसिक कार्यों में ही आगे निकलता है। मंगल ब्लड का भी कारक है। जितने डॉक्टर्स होते हैं, यानी डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स जो सर्जन हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, उनके ऊपर भी मंगल की विशेष कृपा होती है, तभी वो सर्जन बन पाते हैं, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक है। तो जब मंगल अच्छी स्थिति में होते हैं तो जातक को ये सब चीज़ें देते हैं। तो आज हम यही आपसे चर्चा करेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन होने से आप 12 राशियों के जातकों पर इस समय अवधि में जब तक मंगल रहेंगे किस प्रकार के परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि मंगल कब से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो देखिए, मंगल ग्रह जो हैं वो 5 दिसंबर 2021 दिन रविवार को प्रातः 5:57 पर अपनी सम राशि तुला से ये निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में ये करेंगे प्रवेश। उदय एवं मार्गी अवस्था में इनकी अपनी स्थिति बहुत मजबूत है, जहां पर ये जा रहे हैं अब,
बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ पाप ग्रहों का भी प्रभाव रहेगा, वो भी बताएंगे आपको। तो इस राशि में इनकी जो युति है वो अपने शत्रु ग्रह, जिसको वो शत्रु मानते हैं बुध, उनके साथ 10 दिसंबर तक रहेगी वृश्चिक राशि में, और जो इनके मित्र ग्रह सूर्य हैं उनके साथ 15 दिसंबर तक ये बने रहेंगे, और अपने मित्र ग्रह केतु के साथ ये पूरे समय अवधि जब तक ये रहेंगे वृश्चिक राशि में तब तक केतु के साथ ये इनका साथ बना रहेगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति इनकी रहेगी वृश्चिक राशि में। तो अब आपको हम बताएंगे कि जो 12 राशियों के जातक हैं उनके ऊपर ये यहाँ आने के बाद वृश्चिक राशि में किस प्रकार के प्रभाव देंगे। देखिए, इनके ऊपर कुछ अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव है, तो अब देखते हैं चार्ट में क्या स्थिति रहती है आप सभी। और ये आपको यहाँ पर और हम कहना चाहते हैं कि ये जो 12 राशियाँ हैं ये 12 लगन राशि के आधार पर हम बताएंगे, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये मंगल जो है जब तक वृश्चिक राशि में रहेंगे ये 16 जनवरी तक बने रहेंगे, 16 जनवरी को यहाँ से ये निकलेंगे वृश्चिक राशि से। तो आपका जो चार्ट है मेष लगन वालों का, मेष राशि के तो ये स्वयं लॉर्ड हैं मंगल ग्रह, तो आपके तो लग्नेश भी हो गए, लगन चार्ट के लॉर्ड हैं ये आपके, और अपनी राशि में है तो आपके राशि में ये अष्टम भाव में है, एर्थ हाउस में। वहाँ पर इनके जैसा मैंने कहा प्रिय मित्र सूर्य और केतु भी हैं, साथ में बुध भी हैं इनके। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके ऊपर राहु की भी कुदृष्टि पड़ रही है, राहु के साथ भी इनका वो बना हुआ है दृष्टि संबंध अंगारक योग। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक इन्होंने अच्छा राजयोग तो निर्माण इन्होंने किया है निश्चित रूप से, लेकिन ये हमें भूलना नहीं है कि ये पापी घर में है। तो यहाँ रहने से क्या किस प्रकार के प्रभाव आएंगे आपके ऊपर ये मैं बताना चाहूँगा। एक तो आपको पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, परिवार में परिवार के सदस्यों के साथ आप की जो बातचीत है या तो कोई ना माने या आपके मतभेद हो जाएं या किन्हीं बातों को लेकर के परिवार के सदस्यों के साथ कुछ इशू खड़े हो जाएं। दूसरी बात, आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी प्रभावित हो सकती हैं, धन संचय करने में समस्याएं आ सकती हैं, ये समस्या रह सकती है। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी इस अवधि में डाउन ही रहेगा, आलसी स्वभाव बना रहेगा आपका। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, देखिए आय में भी थोड़ी सी रुकावट हो सकती है, इनकम में भी। लेकिन जो छात्र हैं, छात्रों को अपनी एजुकेशन में विशेष रूप से कह सकते हैं कि ये 15 दिसंबर तक अच्छा रहने वाला है, वो उनको सफलता प्राप्त होगी। वैसे आपकी धन की स्थिति खराब नहीं होगी, धन की स्थिति तो मजबूत ही रहेगी, लेकिन मैंने जैसा कहा कि आय में कुछ आय प्रभावित हो सकती है और जो सेविंग्स हैं वो भी प्रभावित हो सकती हैं, या सेविंग्स आपकी हो ही ना पाए या कम हो, इस ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है। आगे बात करेंगे जो वृषभ लगन के जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी। मंगल के कारण जब मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे तो ये वृषभ लगन वालों को किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब ये यहाँ पर आएंगे, हालांकि ये अपने घर में हैं, अपनी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन राहु के साथ जो इनका दृष्टि संबंध बना हुआ है, सारा जो काम है वो उसके कारण अधिक बिगड़ रहा है। तो क्या होगा, एक तो आपका उग्र स्वभाव होगा, क्रोध अधिक आएगा, उस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध पर अपने किसी को कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए कि बोलने से पहले किसी को कुछ ऐसा ना बोल दें कि बात बनते बनते बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। और आपके परिवार वालों के साथ भी संबंधों में एक तरीके से खटास पैदा हो सकती है, साथ ही जो आपकी सेविंग्स हैं उनको लेकर के भी वो भी प्रभावित होती दिखाई देती हैं, या फिर सेविंग्स करने की कोशिश करेंगे सेविंग्स प्रॉपरली ना हो पाए, उसमें समस्या।
और अंत में आपको बता दें कि जो आपका पारिवारिक यानी कि वैवाहिक जीवन है उसमें भी डिस्टर्बेंसेस तो होंगे। हालांकि मंगल हैं, संभालेंगे, अपने घर के मालिक होकर के बैठे हैं, लेकिन क्योंकि अशुभ प्रभाव में है तो यहाँ पर स्थिति तो बिगड़ेगी। राहु तो चाहेंगे बिगाड़ना आपके वैवाहिक संबंधों को, लेकिन एक टाइम के बाद वो चीज़ें सुलझ भी जाएंगी। मंगल संभालेंगे उन चीज़ों को, बिगड़ते बिगड़ती चीज़ें सुधरेंगी वैवाहिक संबंधों में। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि सबसे अंत में हम आपको बहुत छोटे छोटे वो उपाय देंगे कि अगर आपने उनको किया तो स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी, फिर आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो इलाज हम आपको देंगे, उसका रेमेडीज आपको हम लास्ट में बताएंगे। आगे चर्चा करेंगे मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए, मिथुन लगन के जातक जो हैं उनके चार्ट में जो मंगल हैं वो एकादश भाव के स्वामी हैं, ग्यारहवें भाव के, इलेवेंथ हाउस के, और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल के यहाँ रहते हुए एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि राहु तो नहीं चाहते कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो तो गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल बैठे हैं, मंगल उन चीज़ों को संभालेंगे। और माह के यानी कि दिसंबर जो महीना है, 5 दिसंबर से लेके और 15 दिसंबर के बीच का जो समय है उसमें आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। उसके बाद हो सकता है थोड़ी प्रभावित हो, लेकिन 15 दिसंबर तक तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य मैंने जैसा कहा कि बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को ये मंगल आपके बिल्कुल, अगर पहले से भी आप कुछ परेशान हैं स्वास्थ्य को लेकर के तो उसमें भी सुधार होगा। रुक रुक के होगा बेशक, चाहे धीरे धीरे होगा, लेकिन आपकी गाड़ी ट्रैक पर आएगी। जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में उलझे हुए हैं जो जातक, उनका मंगल के यहाँ रहने से उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो एक तरीके से अगर देख सकते मतलब कहें कि उनके फेवर में नहीं जा रही थी पहले से, तो उनमें काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरती नज़र आएंगी। बिल्कुल एकदम 100% तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि राहु जैसे जो ग्रह हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मंगल हैं तो वो चीज़ को सुधारेंगे, संभालेंगे कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में। और जो आपके विरोधी हैं, जो आपके ऊपर हावी होना चाह रहे हैं, वो हावी होने की कोशिश तो करेंगे, आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी कर देंगे, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, ये जरूर है कि आपकी आय में थोड़ी सी कमी या रुकावट आपको जरूर महसूस होगी इस अवधि में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आगे बात करेंगे हम कर्क लग्न के जो जातक हैं उनके विषय में कि उनके जब मंगल राशि परिवर्तन होकर के वृश्चिक राशि में आएंगे 5 दिसंबर को और 16 जनवरी के बीच आपकी कैसी स्थिति रहेगी, मंगल के कैसे परिणाम आपको मिलेंगे देखने को, तो मैं बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, जो छात्र हैं उनकी जो शिक्षा है उसमें उनको सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन बीच बीच में बाधाएं भी उनको फेस करनी पड़ेंगी। हालांकि अंततः गोत्वा सफल होंगे वो अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, परिणाम उनके फेवर में आएंगे, लेकिन परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। राहु जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, दृष्टि संबंध बना रहे हैं मंगल के साथ आपके लिए, तो इसीलिए। और संतान जो है माता पिता की, उनके केस में भी ऐसा ही रहेगा कि संतान जितना कुछ करना चाहेगी उस हिसाब से जितने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने चाहिए थे माता पिता को, उस रेशो में वो परिणाम उतने प्राप्त हो नहीं पा रहे हैं। मंगल तो चाहते हैं कि आपको बहुत बढ़िया परिणाम संतान के द्वारा दिलवाएं, लेकिन वहां पर राहु थोड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में रेमेडी देंगे, आप सुन लीजिएगा, वो अगर करेंगे तो वो चीज भी दूर हो जाएंगी। और ये आपके जो हैं दशम भाव के भी लॉर्ड हैं कर्क लग्न के जो जातक हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल के वृश्चिक राशि में जाने के बाद आपको अपने जो कार्य क्षेत्र है, व्यवसाय हो या रोजगार, उसमें समस्याएं अधिक बढ़ेंगी
और जो समस्याएं आएंगी उनसे आपको थोड़ा जूझना ज़्यादा ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के लिए आपको जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अपने मतलब कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय हो या रोजगार हो, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, देखिए खर्चे का भी थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, धन का खर्च कुछ अधिक मात्रा में हो सकता है आपके। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 15 दिसंबर तक, 5 दिसंबर से लेके आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं और सेविंग्स भी कुछ अच्छी कर पाएंगे आप। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आय आपकी, आय भी थोड़ा सा प्रभावित होती दिखाई देती है, इनकम में भी कुछ कमी हो सकती है या रुकावट। आगे बात करेंगे जो सिंह राशि के जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जातक, उनका मंगल के वृश्चिक राशि में जाने से किस प्रकार के मंगल उनको प्रभाव देने वाले हैं। तो मैं आपको आज बता दूं यहां पर कि कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य जो आप फाइनल करना चाहते थे, जो डील फाइनल करना चाहते थे, चाहे कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनमें चीज़ें अगर किसी कारण से रुकी पड़ी थी या आप डिसीजन लेने में थोड़ी डिले कर रहे थे, तो वो चीज़ें आगे उनमें प्रोग्रेस होगा। हालांकि दिक्कतें तो अभी भी आपको फेस करनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं तो बनेंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा एडामेंट हो गए, थोड़ा बोल्डली अगर आपने डिसीजन लिए, तो आप सारी चीज़ों में अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे और सुख और साधन में आपके वृद्धि होगी, उसका आप लाभ ले पाएंगे। प्रॉपर्टी के जो मसले हैं वो सुलझा पाएंगे, मैंने जैसा कि कहा थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, चीज़ें आप सॉल्व कर जाएंगे। कोई खरीदारी आदि करनी है, प्लॉट खरीदना है या सेल करना है, वैसे खरीदारी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, योग तो इसी प्रकार के हैं। चाहे आप फ्लैट खरीदें, कोठी खरीदें, मकान खरीदें या प्लॉट खरीदें, कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी, उसके योग अधिक हैं। साथ ही इनकम को लेकर के थोड़ा सा इनकम में कमी दिखाई देती है, इनकम को लेकर के थोड़ी परेशानी रह सकती है, और साथ ही थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं रह सकती हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं, थोड़ी टेंशन रह सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और या फिर थोड़ा पराक्रम अधिक करना पड़ जाएगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में, जितनी मेहनत से चीज़ें मिलनी चाहिए थी परिणाम, उतनी मेहनत ना करके और अधिक करें तब जा करके उतने परिणाम प्राप्त हों, ये भी स्थिति है। आगे बात करेंगे कन्या लग्न के जो जातक हैं उनके विषय में, कि जब मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे 5 दिसंबर को और 16 जनवरी तक वो यहाँ रहेंगे, तो आप कन्या लग्न के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए आप कन्या लग्न के जो जातक हैं, आपके चार्ट में एक तो अष्टम भाव 8th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, और एक तृतीय भाव के लॉर्ड हैं 3rd हाउस के, और वो 3rd हाउस में ही रहेंगे 5 दिसंबर से 16 जनवरी तक। तो क्या कैसा प्रभाव देंगे? देखिए आपका एनर्जी लेवल तो बहुत अच्छा रहेगा, बीच बीच में हो सकता है कि कभी आप में थोड़ा आलस फील करें आप, या कभी थोड़ा ढीलापन महसूस करें, लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आप एनर्जेटिक ही रहेंगे, आप मेहनत में बिलीव करेंगे और मेहनत करेंगे भी। जैसा मैंने कहा, बीच बीच में थोड़ी दिक्कत समस्या बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना करें। छोटे भाई बहनों का भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, और जो यात्रा करेंगे आप, छोटी थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर उठानी पड़ सकती हैं, लेकिन फाइनली वो आपके फेवर में ही होगी, उससे आपको लाभ प्राप्त भी होगा कोई भी जो यात्रा आपके द्वारा की जाएगी। और लेकिन हाँ, आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ चैलेंजेज अधिक हो सकते हैं आपके लिए। और भाग्य की जहाँ तक बात है, भाग्य का साथ भी थोड़ा सा आपको उसमें भी कुछ कमी है, भाग्य में भी, तो भाग्य का भी साथ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें भी कमी है, लेकिन आप अपनी मेहनत के बल पर
बहुत कुछ चीज़ें अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो ये रहेगी स्थिति आप कन्या लग्न के जातकों की। और आगे बात करेंगे तुला लग्न के जो जातक हैं, तो बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में जो तुला लग्न के जातक हैं उसमें जो मंगल हैं वो द्वितीय भाव सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं एक तो, और एक सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो अब ये मंगल आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो जब साइन में ये आएंगे इस घर में सेकंड हाउस में आपके, देखिए कुछ चीज़ें ये बहुत अच्छी देने वाले हैं आपको और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा निगेटिविटी है। देखिए एक तो सबसे पहला जो आपका जो पारिवारिक सहयोग है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। हाँ बीच बीच में जरूर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जरूर बनेंगी राहु के कारण कि आपको ऐसा लगेगा कि परिवार के लोग आपको सहयोग नहीं देना चाहते, करना चाहते, उनका साथ नहीं मिल रहा है आपको प्रॉपरली, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी और परिवार के जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे ही। अब इसके आगे की बात करते हैं, आय में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है विशेष रूप से 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, और इसी दरमियान आपकी सेविंग्स भी आप अपनी प्लानिंग के मुताबिक अनुसार कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। ये हुआ एक प्लस पॉइंट। और भाग्य का, भाग्य में थोड़ी कमी रहेगी, भाग्य का जितना सहयोग साथ आपको मिलना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी रहेगी। और इसके अतिरिक्त जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके अपने वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी, ये बात है। किसी ना किसी बात को लेकर के मतभेद बने रहेंगे, अगर बात संभल भी गई, सुलझ भी गई चीज़ें, फिर कुछ इशू खड़े हो जाएंगे, तो ये चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा वैवाहिक सुख नहीं है, उनमें कमी है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और अगर आप उनको सुलझा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है मिलजुल करके, लेकिन हमने आपको यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं कि ये मंगल के आने के कारण, हालांकि मंगल खुद सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, लेकिन स्थिति यहाँ ऐसी बन रही है मंगल के वृश्चिक राशि में जाने से कि आपके वैवाहिक संबंधों पर उसका प्रभाव होता दिखाई पड़ रहा है, जो अच्छा नहीं है। तो आपको दोनों को, आपको और आपके जीवन साथी दोनों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप अपने जीवन साथी को ये बात पहले ही समझा दीजिए कि भाई ग्रहों की स्थिति ऐसी होने जा रही है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम भी रखेंगे आप भी रखिएगा। हालांकि मैं लास्ट में आपको रेमेडी दूंगा, अगर आपने वो की तो वो समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। अब बात करते हैं जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह हैं। और मंगल ग्रह कहाँ होंगे इस चार्ट में आपके वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, लग्न में होंगे आपके जब वो वृश्चिक राशि में जाएंगे। और जब ये यहाँ पर आएंगे तो बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। और उसी के कारण आप कुछ बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय बहुत बोल्डली ले पाएंगे। ऐसी हालांकि बीच में आपके लिए बाधाएं खड़ी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी हो सकती हैं, उनकी आप परवाह ना करें, उनको इग्नोर करें और जो आपने करना है करें। लेकिन हाँ, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर जब तक मंगल रहेंगे वृश्चिक राशि में, आपके विरोधी जो लोग हैं वो कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे आपको फेल करने की, आपको डिस्टर्ब करने की, आपको परेशान करने की। और मैं आपको बता दूं, जब तक मंगल यहाँ पर बैठे हैं तब तक आप 5 तारीख से और 15 तारीख के बीच तो जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं अगर वो निपटा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। 15 तारीख के बाद परिस्थितियां जो हैं विपरीत हो जाएंगी आपके, यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। 5 दिसंबर से और 15 दिसंबर के बीच में जो भी मामले निपटवा सकते हैं निपटवा लीजिए, जो कार्य हैं वो कर लीजिए, कोर्ट कचहरी से संबंधित जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो समय आपके लिए फेवरेबल है। तो हालांकि वो भी कुछ समस्याओं और बाधाओं के बाद ही पूरे हो पाएंगे, लेकिन हो जाएंगे। 15 तारीख के बाद परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं और दुश्मन भी आपके जो विरोधी हैं वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो आपको सचेत रहना है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों में भी काफ़ी मतभेद, मतलब सुखों में कमी और मतभेद होगा,
काफ़ी तलखी रह सकती है, मतलब वैवाहिक सुख का आनंद आपको आप ले पाएं इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। अब आगे बात करेंगे धनु लग्न के जो जातक हैं उनके विषय में, कि धनु लग्न के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो मंगल हैं, एक तो पंचम भाव फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं और एक ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड हैं। तो देखिए ये जो मंगल हैं बारहवें घर में ही आपके विराजमान रहेंगे वृश्चिक राशि में, और जब ये यहाँ पर रहेंगे तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहीं अपने कार्यों से संबंधित जो कार्य क्षेत्र जहाँ भी आप व्यापार हैं या रोजगार जो भी करते हैं आप, उनसे आपको कहीं दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हालांकि वो यात्राओं में थोड़ी बहुत बाधाएं तो आएंगी, आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। राहु नहीं चाहते कि आप ये यात्राएं सुखद हों, आपको लाभप्रद हों, वो नहीं चाहते, वो समस्याएं पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन ये छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद फाइनली जो यात्रा है वो आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगी, कुछ ना कुछ आपको लाभ अवश्य रहेगा और ये यात्रा आपकी सक्सेस भी होगी। अब आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए जो आपका विरोधी पक्ष है, जो आपका शत्रु पक्ष है, वो भी आप पर हावी होने की कोशिश करेगा और स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपने सचेत रहना है, अपने विरोधियों से भी सतर्क रहना है और हो सके तो उनसे दूरी बना करके ही रखें ताकि कोई झमेला ही ना खड़ा हो, उनसे बच के रहें। इस प्रकार की स्थिति रहेगी और 15 तारीख तक थोड़ा ये भी है कि आपके कार्यों में कुछ रुकावटें बने, लेकिन जो भी बनेंगी रुकावटें कुछ समय के लिए होंगी, टेम्परेरी होंगी, उसके बाद कार्य आपके पूरे होंगे। अब आपसे बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर के। देखिए वैवाहिक संबंधों की स्थिति तो ऐसी है कि 10 दिसंबर तक तो स्थिति थोड़ी गड़बड़ दिखाई देती है वैवाहिक संबंधों को लेकर के, लेकिन 10 के बाद बहुत कुछ चीज़ें उसमें सुधार होगा। यानी पहले से अगर आपके कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ है, कुछ कड़वाहट है, तो 10 दिसंबर के बाद से इन चीज़ों में सुधार होगा, आपको देखेगा दिखाई देगा कि भाई पहले जैसी स्थिति अब नहीं है, बहुत रिलेशनशिप हमारी बेटर हुई है, इस प्रकार का आपके रहेंगे रिलेशनशिप 10 दिसंबर के बाद। आगे बात करेंगे जो मकर लग्न के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनका कैसा रहने वाला है, उनके विषय में बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो एकादश भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में 5 दिसंबर से 16 जनवरी तक, यानी कि 11th हाउस में। जब ये यहाँ पर रहेंगे तो देखिए ये आपके चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो देखिए सुखों में तो कमी होगी। और एक बात मैं यहाँ पर आपको और कहना चाहूँगा, थोड़ा अलर्ट करना चाहता हूँ कि जब तक मंगल वृश्चिक राशि में हैं 16 जनवरी तक, तब तक आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील ना करें, उसको पेंडिंग रखें। अगर आप इस डील में पड़ गए तो आपके लिए ये एक टेंशन हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसा पंगा हो जाएगा आपके साथ या आप उसको उस डील में, कि जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है, टेंशन का। तो इसलिए अभी इसमें हाथ ना डालें। सुख सुविधाओं में भी कमी रहेगी आपकी, और जो आपका एक तरीके से मैं बताऊं जो छात्र हैं, छात्रों को भी अपनी एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के बहुत सतर्क और बहुत सावधान और बहुत ही कंसर्न रहने की ज़रूरत है, गंभीर सीरियस। थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत बुरी तरह से आपके परिणामों को प्रभावित कर जाएगी, छात्रों से मैं हूँ कह रहे हैं ये विशेष रूप से। तो अपना गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, तभी कुछ जाकर बात बन सकती है। और हाँ, इतना अवश्य है कि जो आप मकर लग्न के जातक हैं, आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है, उसमें वृद्धि होगी और आय जो है आपको निरंतर होएगी, आपके मुट्ठी में भी आपको पैसा दिखाई पड़ेगा,
बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, हालांकि उसमें भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको सहयोग की प्राप्ति होगी बड़े भाई बहनों से और अपने मित्रों से। अब आपसे बात करना चाहेंगे आगे कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनका कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपका जो है कुंभ लग्न के जो जातक हैं वो चार्ट में जो देख रहा हूँ एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं कि मंगल जो हैं वो आपके चार्ट में दशम भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, 5 दिसंबर से बैठेंगे 16 जनवरी तक। और यहाँ पर ही अकेले नहीं बैठेंगे, जैसा मैंने बताया था केतु भी होंगे साथ में, सूर्य भी रहेंगे 15 दिसंबर तक, 10 दिसंबर तक बुध भी रहेंगे। ये स्थिति बनने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जब तक मंगल यहाँ रहेंगे आपको छोटमोट प्रॉब्लम्स तो जरूर रहेंगे आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार है या रोजगार, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही बहादुरी के साथ, निडरता के साथ, साहस के साथ उनको फेस तो करेंगे ही, साथ में उनको सॉल्व भी करेंगे, घबराएंगे नहीं आप। और आपका जो वर्चस्व है वो अपने कार्य क्षेत्र में बना रहेगा, बढ़िया बनेगा अपने कार्यों को लेकर के। और इस मंगल के कारण आपका कोई अगर पदोन्नति भी होती है, कुछ अच्छा पद की प्राप्ति होती है, तो कोई मैं कहूँगा अतिशयोक्ति नहीं है ये कहना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये मंगल यहाँ आकर के आप कुंभ लग्न के जातकों को प्रमोशन भी दिला सकते हैं या आपके व्यापार में वृद्धि करा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। लेकिन हाँ, सुख सुविधाओं में कमी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है तो करें, जरूर करें, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ, अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ एडवाइस लेने के बाद, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, छात्रों को अपनी एजुकेशन प्राप्ति में थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आसान नहीं होगा उनको अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करना। लेकिन हाँ, 10 दिसंबर के बाद, ये 10 दिसंबर तक की स्थिति बता रहा हूँ मैं छात्रों के लिए, 10 दिसंबर के बाद से चीज़ों में सुधार होगा और आप जो मेहनत करेंगे वो रंग भी लाएगी फिर। और आप अपने जो जहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने छात्रों के साथ जहाँ पर बैठते हैं उसमें आप काफ़ी आपकी तारीफ होगी आपकी पढ़ाई की, आपको माना जाएगा भाई बहुत बुद्धिमान हैं आप, बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके साथ रहेगी। और संतान की भी ऐसी स्थिति रहने वाली है, 10 दिसंबर के बाद संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने की पूरी पूरी संभावना है। और जैसा मैंने आपसे कहा, देखिए बस अगर कमी रहेगी तो एक ही रहेगी, थोड़ा सा ये इंटरनली आप ऐसा फील करेंगे कि आपके अंदर कुछ एनर्जी लेवल लो है आपका, ऐसा आपको फीलिंग आ सकती है और ऐसा महसूस कर सकते हैं आप, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आप अपने कार्य क्षेत्र में आपका वजूद जो है बहुत बढ़ने वाला है, मंगल आपको बहुत कुछ अच्छी तरह खड़ा करने वाले हैं, तो इसलिए आप घबराएं ना, निराश ना हो, हताश ना हो, लगे रहें और अपने पूरे प्रयास से आप आगे ही बढ़ने वाले हैं, कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। अंत में बात करेंगे मीन लगन के जो जातक हैं उनके विषय में कि भाई ये जो पाइसिस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, मंगल जब वृश्चिक राशि में जाएंगे 5 दिसंबर को और 16 जनवरी तक वहाँ रहेंगे, तो ये आपके लिए कैसा परिणाम लेकर के आ रहे हैं मीन लगन वालों के लिए। तो देखिए, आप मीन लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो मंगल हैं, एक तो भाग्य भाव के लॉर्ड हैं मंगल, और एक जो है वो धन भाव के लॉर्ड हैं। तो देखिए, परिवार के साथ तो कुछ अनबन रह सकती है आपकी, और दूसरा कि जो धन का संचय, सेविंग्स भी थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि आप धन का संचय करना चाहेंगे जिस मात्रा में उतना ना कर पाएं, ये यहाँ समस्या रहेगी। और दूसरी समस्या ये भी रहेगी कि आपका एनर्जी लेवल भी जो है वो थोड़ा डाउन रहेगा, छोटे भाई बहनों से भी थोड़ी दूरी बनेगी,
और अगर कोई छोटी मोटी यात्रा करते हैं तो वो सुखद नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के बावजूद आपको आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और जब भाग्य साथ हो जाता है तो बहुत चीज़ें अपने आप ही सुधर जाती हैं। कहीं आपके पराक्रम में भी अगर कहीं जाने अनजाने कुछ कमी रह जाती है तो भाग्य अगर साथ है तो वो सब उसको संभाल लेता है। तो यहाँ कुछ ऐसी स्थिति है। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं जो छात्र, उनके विषय में भी हम बताना चाहेंगे, उनके लिए भी समय बड़ा अच्छा है। कुछ बाधाओं को तो फेस करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप अपने परिणाम जो हैं वो आगे की ओर आपके जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आप जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र। और 10 तारीख के बाद सुख सुविधाओं का भी आप लाभ ले पाएंगे 10 दिसंबर के बाद, और आपके कार्य क्षेत्र में भी 15 दिसंबर के बाद काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। आप सक्सेस होंगे, आप उन्नति करेंगे, जो काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में। मीन लगन के जो जातक हैं 15 दिसंबर के बाद, तो इस प्रकार की स्थिति आपके साथ रहने वाली है। और मीन लगन के जातकों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, हो सकता है कि आपका ध्यान आध्यात्म की ओर भी जाए और कुछ धार्मिक चीज़ों की ओर भी अधिक बढ़ सकता है इस पीरियड में, जब तक मंगल वृश्चिक राशि में होंगे। आपका जो रुझान है, आपकी रुचि कुछ धर्म के प्रति अधिक रहने वाली है, अधिक रहेगी। हालांकि उसमें बीच बीच में कुछ विलंब जरूर होंगे, लेकिन आपके अंदर से इच्छा रहेगी। तो ये तो था आप 12 लग्न राशियों के जातकों के ऊपर पड़ने वाले मंगल राशि के परिवर्तन, जब वो ग्रह परिवर्तन करेंगे अपना, तो उसके पड़ने वाले प्रभाव। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मंगल ग्रह तो अच्छी पोजिशन में है, जैसा हमने कहा उनके ऊपर कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव है, और जो वो कुछ अच्छे परिणाम आपको देना चाहते हैं, या तो उसमें वो कमी कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि ऐसे अच्छे परिणाम आपको ना प्राप्त हों। ऐसे अशुभ ग्रहों का कुछ प्रभाव जो है मंगल ग्रह के ऊपर है। तो आपको क्या करना है रेमेडी कि जो वो प्रभाव, दुष्प्रभाव खत्म हो जाए? आपको करना है मात्र दुर्गा सूक्तम का पाठ। दुर्गा सूक्तम का पाठ करें आप 12 राशियों के जो जातक हैं, नित प्रतिदिन, और एक मंगलवार के दिन, सिर्फ मंगलवार के दिन मंगल हनुमान जी के चरणों में जाकर के प्रसाद चढ़ाना है। और वहां जाकर के अगर आप पूजा करते हैं हनुमान चालीसा की और आरती करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम। और एक माँ दुर्गा सूक्तम का पाठ नित प्रतिदिन करिएगा, सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, और मंगल से मिलने वाले जो अच्छे शुभ परिणाम हैं वही आपको प्राप्त होने जा रहे हैं फिर। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों पर। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़। और जो बेल आइकन है जिसको आप देख पा रहे हैं उसको भी ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले दिनों में हमारी जो भी और नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।